दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास ये इंडक्शन हीटर आया है रिपेयर होने के लिए, तो इसको चालू करके देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने यहाँ लगा दिया प्लग सीरेज बोर्ड में। तो दोस्तों ये एकदम से डेड है और चालू नहीं हो रहा है, तो इसको खोल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों जब तक इसको खोलेंगे तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है, बहुत सारा कचरा जमा हो गया इसमें, तो इससे हमको क्या लेना, इसको खोलेंगे मैग्नेट कॉइल को। तो दोस्तों ये हमने खोल ली है और ये सेंसर का भी हम पिन निकाल लेंगे। और ये स्क्रू खोल कर इसके सर्किट को हम पलट लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इधर ये यहाँ के प्रिंट टूट गए हैं दोनों, क्योंकि ओवर वोल्टेज के कारण ये हुआ है, और इसका ये फ्यूज किसी ने डायरेक्ट किया है यहाँ। तो दोस्तों ये करंट इसके उड़ गए हैं दोनों, तो यहाँ से हम जम्पर मार करके इनको दोबारा से लगाएंगे। तो मैंने ये दो वायर ले लिए हैं जिनको यहाँ से सोल्ड कर देंगे, यहाँ इसको लगा दिया है हमने। तो दोस्तों ये दोनों प्रिंट हमने फिर से जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसका प्लग लगा कर देखेंगे यहाँ सीरेज में। तो दोस्तों ये देखिए सीरेज जल गई है, इसमें कोई शॉर्टेज है अभी, तो चेक करते हैं क्या शॉर्टेज है। तो ये प्लग निकाल लिया हमने इसका, प्लेट को पलटेंगे। तो पहले हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर चेक करेंगे। तो हम मीटर को लगाते हैं बाजार मोड पर, अब टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर एकदम सही है। अब इस मॉस्फेट को चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, शॉर्टेज हो रहा है, बजर की बीप आ रही है इसके, देखिए। तो ये हम निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमने इसका मॉस्फेट निकाल लिया है, इसको IGBT भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका नंबर है 25N135। तो ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है अभी, तो हम इसकी जगह दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसका नंबर है 15N120।
तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीट सिंक को हम फिर से कस देंगे। तो दोस्तों हमने दोनों स्क्रू कस दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। अच्छे तरीके से लूज ना रह जाए ये, नहीं तो इस पर स्पार्किंग हो करके फिर से ख़राब हो सकता है। ये दोस्तों स्पार्किंग हमने सोल्डरिंग कर दी है। तो दोस्तों अब हम इसको करेंगे चालू, इसका प्लग लगाएंगे सीरेज बोर्ड में। ये यहाँ पे सीरेज बोर्ड है। तो दोस्तों अब शॉर्टेज नहीं है इसमें, कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है इसका सीरेज का। तो दोस्तों लेकिन ये चालू नहीं हुआ है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ कुछ स्पार्किंग हो रही है, देखिए। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस भी उड़ा हुआ लग रहा है, देखिए। इसको निकाल के हम दूसरा डालेंगे। ये निकाल लिया है हमने, देखिए इसको, इसका तो नंबर भी उड़ गया है, कलर भी उड़ गया है। तो ये जल चुका है पूरी तरह से। तो दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस हम डालेंगे इसमें, इसका नंबर है 22.8 kΩ। तो ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम था तो हमने डाल लिया है, मतलब नंबर मालूम था पहले से कौन सा यहाँ पर डलता है। तो आप यहाँ पे जो हमने नंबर बताया वो डाल सकते हैं। तो इसकी सोल्डरिंग कर देंगे अब हम। तो दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करके फिर से देखेंगे। तो ये हम सीरीज बोर्ड में लगा देंगे। तो दोस्तों ये चालू हो चुका है, देखिए। तो इसको ऑन करेंगे हम इधर से। तो दोस्तों ये चालू हो चुका है, पंखा भी चलने लगा इसका। तो दोस्तों अब इसकी हम फिटिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग कराएंगे गर्म होता है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसको वापस कसेंगे प्लेट को। तो अब हमें सेंसर का पिन लगा लेंगे यहाँ। अब इस प्लेट को कॉइल को भी कस देंगे। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके, तो करते हैं इसको फिट। तो दोस्तों हमने इसके सभी नट बोल्ट कस दिए हैं, अब इसकी टेस्टिंग करने की बारी है। तो अब हम सीरेज में इसको नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि सीरेज में उठेगा नहीं है। तो ये हमने डायरेक्ट में लगा दिया और ये हो गया ऑन। तो इसको ये चालू हो गया, अब इसको ऑन करेंगे। तो ये 1300 वाट पर सेलेक्ट है। अब हम ये चादर रखेंगे इस पर, दोस्तों हमने 2000 वाट कर दिया इसका। देखिए ये चालू गर्म भी हो गया है। तो दोस्तों हम इस पर कुछ पानी की बूंदें डालेंगे, देखिए ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आप भी रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।